I hope you all are well at your home. So let's start today's class. Now students, earlier we have explained you common factors and common multiples, and I hope you will understand common factors and common multiples. So today we will explain you HCF. HCF means highest common factor. So, आप सबको पता है फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं, अच्छे से आपको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. उन्हीं में से जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है दैट इज कॉल्ड द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर. सो देयर आर टू वेज टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ अ गिवन नंबर. कोई भी नंबर अगर हमें दे रखा है तो हम उसको दो तरीके से हम उसका एचसीएफ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. इसके टू मैथड है. फर्स्ट मैथड है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड एंड सेकेंड मैथड इज डिविजन मैथड. सो टूडे वी विल एक्सप्लेन यू प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड. नाउ स्टूडेंट्स, now example of prime factorization method is suppose there are two numbers 350 and 450. Now we find out the HCF of 350 and 450. The given numbers are 350 and 450. First of all what we will do, solution is this. हम जब कोई भी two numbers का HCF find out करते हैं prime factorization method में तो उसका method हमारा इस तरह से होता है. Suppose 350 जो है, अब हम 350 जो है 350 को हम डायरेक्ट जो है डिवाइड करेंगे. और इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ निकालते हैं हम मोस्टली प्राइम नंबर्स को ही यूज करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 5, 7, 11. दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स. यू ऑल नो व्हाट आर प्राइम नंबर्स. द नंबर विच कम्स इन द टेबल ऑफ 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स. वो नंबर्स जो वन की टेबल में और सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं, दोस नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स. अब यहाँ पर भी आप देख लीजिए, हम जिन नंबर्स से इनको हम डिवाइड कर रहे हैं दीज ऑल नंबर्स आर प्राइम नंबर्स. अब सबसे पहले हम क्या नंबर लेंगे, आप सबसे पहले हम लेंगे 5 से हम 350 को करेंगे तो 5 7 जा 35 एंड 0 एज इट इज हमने लिख दिया. देन अगेन हम करेंगे कि 5 की टेबल में 70 भी आता है, कब आता है, 5 1 जा 5 तो 7 में से हमने 5 माइनस करा 2 रह गए, तो अब 2 में 0 लगा दिया आगे तो 2 और 0 20 हो गए, तो 5 4 20 यानी 14 5 जा 70. आप इसको क्रॉस टैली भी कर सकते हो, जैसे 75 जा 350. अब 5 के टेबल में 70 कब आया, 14 5 जा 70 यानी 5 1 जा 5, यहाँ 2 बचे ये 0 उतारा 20 हो गया, तो 5 4 जा 20. अब 14 आ गया, 14 किस टेबल में आता है, डायरेक्ट साइड से आप इसको कट कर दीजिए, 7 2 जा 14. अब 2 आ गया, 2 1 जा 2. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम तब तक इसको डिवाइड करते हैं जब तक कि लास्ट में हमारा 1 नहीं आ जाए. जब तक 1 नहीं आता हम उसको डिवाइड करते चले जाते हैं. इस तरह से अब हमारे इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 5 5 7 2, किसके लिए 350 के. अब हम 450 को डिवाइड करेंगे, सेम प्रोसीजर वही है कि 5 9 जा 45, 0 एज इट इज लिख दिया, फिर 5 से कर रहा हमने, अब 9 नहीं आता, 9 से कम क्या आता है, 5 1 जा 5, अब 4 बच गए, यहाँ 9 माइनस 5 4, 0 उतारा 40 हो गया, 5 8 जा 40 यानी इसको क्रॉस वैल्यू कर लो आप, 18 5 जा 19. देन 18 आप 3 से कर लीजिए, 3 6 जा 18, फिर 6 है, 6 को फिर 3 से कीजिए, 3 2 जा 6. देन 2 आ गया, अब लास्ट में 2 1 जा 2. अब देख लीजिए आप दोनों को, जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करा लास्ट में हमारे दोनों में 1 आया. जब तक 1 नहीं आएगा तब तक आपको डिवाइड करना है. अब हमारे कॉमन फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं इसके, 350 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 5 5 7 2, तो 5 × 5 × 7 × 2, और हमारे 450 के फैक्टर्स, इसका मतलब ये एज इट इज, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 450 इज इक्वल टू 5 × 5 × 3 × 3 × 2. हमने इनको एज इट इज लिख दिया. अब हम इसमें कॉमन फैक्टर्स अब देखेंगे कि हमारे कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं. प्राइम फैक्टर्स तो हमें पता चल गया. नाउ द कॉमन फैक्टर्स आर, देयर आर 5 कॉमन, दिस 5 इज ऑल्सो कॉमन, 3 3 7 आर नॉट कॉमन, 2 2 इज कॉमन. जो डिजिट्स, जो नंबर्स हमारे दोनों में आ रहे हैं वो हमारे कॉमन नंबर्स होते हैं. इसका मतलब दीज ऑल नंबर्स आर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 350 एंड 450. अब कॉमन फैक्टर्स हमारे क्या, अब जब हम इनको मल्टीप्लीकेशन करते हैं, जितने जो भी हमारे कॉमन फैक्टर्स आए ये हमारे डबल डबल है, ये पेयर है,
वन पेयर ऑफ फाइव, सेकेंड पेयर ऑफ फाइव एंड वन पेयर ऑफ टू, तो थ्री पेयर हो गए, तो वन पेयर फाइव का, सेकेंड पेयर फाइव का और थर्ड पेयर कौन सा हमारा टू का। तो हम ये सिंगल सिंगल तीनों नंबर लेंगे, इनको डबल नहीं लेंगे, पेयर में ये वन पेयर फाइव का, यानी फाइव के दो पेयर हो गए तो यहाँ पर टू फाइव हो गए, टू का वन पेयर है तो ये यहाँ पर हमने टू, फाइव इन टू। अब हम हमारा एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ मीन्स सो फाइव मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई टू, तो फाइव फाइव इज ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव टू जा फिफ्टी, सो फिफ्टी इज द एचसीएफ ऑफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ थ्री फिफ्टी एंड फोर। आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। इसी तरह से आपको इसकी एक्सरसाइज करनी है, वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ। नाउ सो स्टूडेंट स्टार्ट एक्सरसाइज सिक्स की, क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी मैंने आपको इसके एग्जांपल के थ्रू मैंने पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बेटे आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर टू में, अब हम क्वेश्चन नंबर टू से इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। वी विल डन क्वेश्चन नंबर वन अर्लियर, नाउ क्वेश्चन नंबर टू स्टार्ट, फाइंड द एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सम नंबर ए 198 एंड 360। सो स्टूडेंट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ एचसीएफ, सो फर्स्ट नंबर इज 198, सो वी विल स्टार्ट दिस सम बाय नाउ 198। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा प्राइम नंबर लें जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम थ्री लेते हैं, देखिए थ्री, थ्री के टेबल में 19 नहीं आता, क्या आता है 19 से कम, थ्री फाइव या 15। अब 15 19 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, 19 में से हमने 15 माइनस, सॉरी थ्री, सॉरी बेटे थ्री सिक्स या 18, सो 19 माइनस 18 इज इक्वल टू 1, जब 1 यहाँ आ जाएगा तो ये 18 हो गया, अगेन थ्री सिक्स या 18, ठीक है। अब फिर से हम इसको थ्री से कट कर सकते हैं, देखो थ्री टू जा सिक्स, थ्री टू जा सिक्स, ठीक है, देन हम इसको टू से कट करेंगे, टू वन जा टू, टू वन जा टू। अब इलेवन तो किसी भी टेबल में नहीं आता, इलेवन को डायरेक्ट इलेवन वन जा इलेवन हम देते हैं। अब हमारा यहाँ पर लास्ट में वन आ गया, अब हमारा ये सम कंप्लीट हो गया। सो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 198 आर थ्री थ्री टू एंड 11। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 360। अब इसको हम अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू करेंगे। अब इसमें भी हम फर्स्ट प्राइम नंबर को 3 ही लेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 0 एज इट इज, ठीक है 120 आ गया। अब हम इसको 120 को हम फिर से 3 से कर सकते हैं, देखिए 12 आता है 3 की टेबल में, 3 4 जा 12 और 0 एज इट। अब टू से कीजिए, टू टू जा फोर जीरो एंड एज इट इज, फिर टू से कीजिए, टू वन जा टू जीरो एज इट इज, अब फिर टू से कीजिए, टू फाइव जा टेन और अब हम लास्ट में फाइव वन जा फाइव। अब यहां पर हमारा देखिए दोनों जगह नीचे आंसर जो है वो हमारा वन आ रहा है। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल में भी यही एक्सप्लेन किया था कि जब तक वन नहीं आ जाता है तब तक हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसको हम डिवाइड करते चले जाएंगे। जैसे ही हमारा लास्ट में वन आ जाएगा वहीं पर हमारा सम कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स को हम शॉर्ट में लिख देते हैं पीएफ, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 198। क्या है 198 के प्राइम फैक्टर्स, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11। अब 360 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 360 क्या है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 3 3 2 2 2 5, 3 3 2 2 2 5। अब हम इसमें कॉमन फैक्टर्स देखेंगे, ये दो ये भी 3 कॉमन है और ये 2 भी कॉमन, ये वाले हमारे कॉमन फैक्टर्स। अब हम यहां पर लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे सी एफ, कॉमन फैक्टर्स ऑफ
factors is equal to कौन-कौन से common factor हैं इसमें 3 multiply 3 multiply 2 दो pair 3 के तो दो बार 3 लिख दिया 1 pair 2 का तो 1 बार हमने 2 लिख दिया तो highest common factor क्या हुआ हमारा highest common factor is equal to 3 multiply 3 multiply 2 तो 3 3 जा 9 9 2 जा 18 हमारा highest common factor हो गया अब I hope you all are understand very well Now question number B is 102 and 68. First we find out the prime factorization of 102. Then we find out the prime factorization of 68. बिल्कुल जिस तरह से हमने A वाला सम करा बिल्कुल हम वैसे ही करेंगे इसको भी सबसे पहले हम इसको 2 से करेंगे 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2 अभी 51 किसके टेबल में आते हैं बताइए 51 हम 3 के टेबल से करेंगे देखिए 3 1 जा 3 तो 5 माइनस 3 रिमाइंडर 2 आया ऊपर से बनता है 21 हो गया 3 7 जा 21 इसको क्रॉस कर लीजिए आप कर सकते हो 17 3 जा 51 अब 17 जो है वो प्राइम नंबर है ये सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं बेटे इसलिए हम लिख देंगे 17 1 जा 7 नेक्स्ट अब हम इसको करेंगे 68 को 2 से 2 3 जा 6 2 4 जा 8 देन 34 आ गया अब 34 को हम फिर से 2 से कर लेंगे एक बार 2 1 क्योंकि 34 ऑल इवन नंबर है कम्स इन द टेबल ऑफ 2 तो 34 इवन नंबर है 2 1 जा 2 अब 1 बचा 4 उतारा 14 हो गया 2 7 जा 14 अब अगेन यहां 17 आ गया अब 17 बन जा 7 बिल्कुल हम ऐसे ही लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 102 क्या है 102 के प्राइम फैक्टर्स 2 × 3 × 17 फिर है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 68 2 × 2 × 17 अब हमारे कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं इसमें 2 and 17 तो कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 × 17 सो HCF इज इक्वल टू 2 × 17 यानी 72 जा 34 दिस इज सम नंबर ए एंड सम नंबर बी आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड वेरी वेल सो सम नंबर सी डी एंड ई इज योर होमवर्क सो दिस इज ऑल फॉर टुडे सो स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस मेथड prime factorization method and we find out the HCF with the help of prime factorization method. So, sum number C, D and E is your homework. So, students, have a nice day. Thank you.